बोले हजरत हमारे गांव के हैं, छोड़ देना चाहिए। कट करके फिर चलाओ, ज्यादा लंबी हो जाएगी तो जा नहीं पाएगी। बोले हेलो 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 हज़रत, जो दिल्ली के हालात हैं आज 4 दिन के बाद, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ तो लगा कि कुछ हालात बेहतर आज हुए हैं 4 दिनों के बाद, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं और अभी क्या कदम उठाने जाने चाहिए जिनका नुकसान हुआ उनके लिए? ये तो ऐसी सूरत हाल है कि हर आदमी की ज़बान से यही बात निकलेगी कि जिनके हाथ में ताकत है वही उसके ज़िम्मेदार भी हैं। ये बात देखने में आई है कि कल गवर्नमेंट ने ये चाहा कि फसाद बंद हो जाए, रात में वहाँ अजीत डोभाल पहुँच गए, उन्होंने कह दिया कि अब फसाद नहीं होगा और पुलिस अपने फ़र्ज़ को अदा करेगी। पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दिया, फसाद बंद हो गया। अगर यही बात पहले दिन हो जाती, पहले दिन फसाद बंद हो जाता, दूसरे दिन हो जाती, दूसरे दिन फसाद बंद हो जाता, तीसरे दिन हो जाती, तीसरे दिन फसाद बंद हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं चाहा कि फसाद बंद हो, इसलिए फसाद होता रहा। लेकिन मुल्क के लिए ये तबाही की बहुत बड़ी चीज़ है कि दिल्ली के अंदर ये फसाद हुआ और 3 दिन तक चलता रहा। दिल्ली की तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर गई और जो अखबारात कह रहे हैं वो ख़राब चीज़ है कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर पार्लियामेंट के मेम्बरान ये कह रहे हैं कि सूरत हाल मुल्क के अंदर अकलियतों के ख़िलाफ़ अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़िम्मेदारी तो हुकूमत ही की है, पार्टियाँ जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भी ज़िम्मेदार हुकूमत ही को बना रही हैं। मुसलमान जो फसाद के अंदर दबा है और जिसका नुकसान हुआ है, अगरचे हिंदू का भी नुकसान हुआ, ये भी दोनों के दोनों ये कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार हुकूमत ही है, इसलिए इसमें कौन सी दो राय हो सकती? अभी क्या किस तरह कदम उठाए जाने की ज़रूरत है क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को? होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट ने फसाद को नहीं रोका और फसाद होता रहा, तो जिन लोगों का जानी नुकसान हुआ है, जिनका माली नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जिस दर्जे के अंदर भी हो सकती है गवर्नमेंट को करना चाहिए। और अगर नहीं करती है गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट का कसूर है। ताहम आपस में मेल मिलाप और प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि जमीयत उलमा का तो पैगाम ही मुल्क के लिए यह है कि हर तबका आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। मैंने जो देखा है, अब तक सुना है, उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसके अंदर हिंदू कह रहा है कि मुसलमानों ने हमारी हिफाजत की है, हमारे मंदिरों की हिफाजत की है, मुसलमान कहीं कह रहा है कि हिंदुओं ने हमारी हिफाजत की है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासत की नफरत करने वालों के मुकाबले में मुल्क की अमन व सलामती के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। शुक्रिया। ठीक है, हो गया।